प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपके लिए एक विशेष जानकारी लेने के लिए आया हूं और एक विशेष जानकारी आपको दूंगा, लेकर के आया हूं और दूंगा। शनि जो है एक तारीख से स्वराशि में बकरी होकर के भ्रमण करने वाला है और ये 29 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद जो इसका बकरीपन है खत्म हो जाएगा, मार्गी हो जाएगा। बात ये आती है कि शनि की पावरफुल स्थिति होना, इस बीच में शनि का वर्गोत्तम होना और फिर मैंने आपको एक टाइटल दिया है कि शनि देगा वरदान और पांच राशि वालों को देगा। वरदान का मतलब है कि तथास्तु, और शनि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जानकारी दी जाए। वैसे तो मैं राशियों की जानकारी आपको दे रहा था, लेकिन कई लोगों ने कहा गुरुजी शनि के बारे में बता दीजिए, अच्छा है। हम क्या, बिल्कुल अच्छा, नो डाउट शनि अच्छा है। पूरे साल एंड तक शनि की पोजीशन अच्छी रहने वाली है, हमारे लिए भी अच्छी है, देश के लिए भी अच्छी है, और जो कोरोना का कहर चल रहा है उससे भी निजात दिलाने के लिए अच्छी है। तो आज मैं आपके लिए यही जानकारी लेकर के आया हूं कि शनि उन कौन सी पांच राशि वालों को वरदान देने वाला है, कौन सी वो पांच राशियां हैं जिनको छप्पड़ फाड़ के देगा, वो ऐसे कौन से पांच वरदान हैं जिनको शनि देगा और आपको मिलेंगे, उन राशियों को मिलेंगे, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन भी करूंगा, मेरा YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और पूरे विश्व में आप जहां भी देखते हैं वहां इसको फैलाएं, शेयर कर दें। बस यही मैं आपसे चाहता हूं, उसी में मेरी वाह वाह है। चलिए शुरुआत करते हैं कि वो कौन सी पांच राशियों को वरदान शनि देने वाला है। पहली राशि है मेष, मेष को वरदान देगा शनि। एक तो शनि स्वराशि में चलेगा और एक तारीख से 1 जुलाई से वरदान मिलने वाला है, उससे पहले नहीं, उससे पहले तो नीच का गुरु साथ चल रहा है। कोई भी ग्रह जब नीच का होता है, चाहे वो राक्षस के साथ हो चाहे देवता के साथ हो, तो कहीं तकलीफ होती है। ऐसा नहीं कि देवता कभी कभी बुरा नहीं करते, कई बार देवगुरु बृहस्पति भी बुरा करते, चंद्रमा भी क्षीण बहुत बुरा करता है, अस्त बुद्ध भी बड़ा नुकसान करता है, तारा डूबता है शुक्र भी नुकसान करता है। इसलिए मेष राशि निष्फिक्र रहने वाली है और इसको वरदान मिलेगा, और इसको दो चीजों के वरदान मिलने वाले हैं। एक तो आपको जॉब मिलेगी और एक आपका व्यापार बढ़ेगा। चाहे कुछ भी उथल पुथल होती रहे, युद्ध के बादल तो टकरा ही रहे हैं, नो डाउट घेरेबंदी चल रही है और इसकी भविष्यवाणी तो हम पहले ही कर चुके थे, लेकिन ये सच है कि हिंदुस्तान 62 वाला नहीं है। इस समय हिंदुस्तान के ग्रह ऐसे हैं कि हम सी जिनपिंग की गर्दन भी तोड़ सकते हैं और उसको अरेस्ट करके हिंदुस्तान में ला सकते हैं। आज हालात ये हैं हमारे फेवर में। जब ग्रह की गति बदलती है तो अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री भी हमारे साथ आ जाता है, कभी हमारा विरोधी होता था साथ आ जाता है, ग्रह की चाल है। इसलिए आप लोगों के लिए कुछ भी रहे, युद्ध रहे, कुछ भी रहे, परेशानी रहे, कोरोना रहे, लेकिन आपको शनि का वरदान मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, पेट्रोकेमिकल से लाभ मिलेगा, ट्रांसपोर्ट से लाभ मिलेगा, लोहे की चीज़ों से लाभ मिलेगा, कोयले से लाभ मिलेगा और खाने पीने के तेल की जो चीज़ें उनसे लाभ मिलेगा, जो व्यापारीज हैं उनको लहसुन प्याज में लाभ मिलेगा, इस्पात इंडस्ट्री में लाभ मिलेगा और जो दालों के काली दालों के व्यापार करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा, जबरदस्त। दूसरी वृष राशि, उसको भी वरदान मिलने वाला है। शनि पांच वरदान देगा मेष राशि को, तो कैरियर व्यापार का लाभ दे दिया, लाभ का वरदान दे दिया। वृष राशि का भाग्य उदय करेगा। जब शनि धार्मिक बनाता है तो अति धार्मिक बना देता है, योगी बना देता है, सन्यासी बना देता है, बैरागी बना देता है। तो यहां पर वृष जिनकी लगन है या वृष राशि है उनको ये योग मिलने वाला है। शनि भाग्य उदय भी करेगा, साथ में कैरियर को ऊंचाइयों पर भी आपको देने वाला है। इसलिए आपको भाग्य से रिलेटेड वरदान मिलेगा, शनि से जो मांगोगे वो आपको देगा, बहुत ही जबरदस्त योग बनता है। अगली राशि है हमारे पास में
जिसको जबरदस्त लाभ मिलेगा वो है तुला। तुला राशि के अंदर भी शनि चौथे और पंचम का स्वामी, यहां आपको एक वरदान मिलेगा कि आप चाहते हैं, आपने ठान लिया कि हे शनिदेव मुझे एक मकान दे दो, तो आपको मकान देगा, प्रॉपर्टी देगा। आपने ठान लिया मुझे संतान का सुख दे दो, तो संतान का सुख आपको देगा। इसलिए बहुत ही पावरफुल स्थिति में है आपके लिए। तो ये तीन राशि वालों को तो भयंकर वरदान मिल रहा है, इसका लाभ ले सकते हैं। और ये लोग शनि को प्रसन्न भी कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको एपिसोड के अंत में दूंगा कि शनि को प्रसन्न कैसे करें। तो यहां पर हमें बहुत जबरदस्त लाभ मिल रहा है, बहुत ही पावरफुल स्थिति में हमें लाभ मिल रहा है। अगली राशि है हमारे पास में मकर। मकर राशि के अंदर आपको जो वरदान मिलेगा वो धन और स्वास्थ्य से संबंधित मिलेगा। आपको क्या चाहिए, आपको शनि देगा, पावरफुल स्थिति में देगा। ये चार राशि बहुत पावरफुल हैं, इनको ये देने वाला है। पांचवी राशि है मीन। मीन राशि में शनि 11वें भाव में भ्रमण करेगा, बहुत ऊंचाइयां देता है। 11वें भाव का शनि ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य लेकर के प्रधानमंत्री तक बना देता है। तीसरे भाव का शनि और 11वें भाव का शनि, ये तो बहुत ही पावरफुल स्थिति में माने जाते हैं। जहां बहुत पावरफुल होता है स्वराशि का शनि अगर यहां बैठा हो तो बहुत ही मजबूत है। मीन राशि है अगर आपकी और मीन लगन है तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बनता है, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मित्रों ये थी पांच राशियां जिनको शनि का वरदान मिलने वाला है। मेष राशि को कैरियर और लाभ से संबंधित, वृष राशि को भाग्य धर्म यात्राएं और कर्म से रिलेटेड, तुला राशि को प्रॉपर्टी संतान सुख मकान एजुकेशन हायर एजुकेशन संतान के सुख, मकर राशि को स्वास्थ्य लाभ और धन का वरदान, और मीन राशि को राजनीतिक लाभ का वरदान और व्यापार का वरदान। मांग लो शनि से। अब शनि से मांगोगे कैसे, मांगने का तरीका तो आना ही चाहिए। आप नीलम पहनिएगा, ये पांच राशि वाले नीलम पहने। नीलम पहनने से पहले एक संकल्प ले लें, अपने हाथ पे शनि को रख लें, शनि की रिंग को रख लें, नीलम को रख लें, गंगा जल रख लें थोड़ा सा, उसके बाद मंत्र का जाप करना है, उसको एनर्जाइज करना है, उसमें एनर्जी डालनी है कि हे शनिदेव आप मेरे शरीर के साथ टच हैं, मुझे पॉजिटिव ऊर्जा दीजिए। स्वराशि का शनि पॉजिटिव ऊर्जा देता है, नेगेटिव ऊर्जा नहीं देता है, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसको शुद्ध कर सकते हैं। ओम शुद्ध वाले सब शुद्ध वाले मणि वाले सस्न, यानी ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो अपि वा या स्मृत पुण्य काक्षम सभाय बंत्र। हे शनिदेव मैं आपको शुद्ध कर रहा हूं, उसके मंत्र को शुद्ध करें। 108 मंत्र बोल सकते हैं, ओम सन्नो देवी अभिष्टि इस मंत्र को आप कर सकते हैं, ओम सम सनिश्चिराय नमः इस मंत्र को कर सकते हैं। तो इस मंत्र को जाप करने से आपके साथ वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा, और प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद वो आपको वरदान देता रहेगा कंटिन्यूअस पूरे साल। जितने भी ग्रह खराब चले हैं उन सब में विजय प्राप्त दिलाते शनि, विजय दिलाएगा। 1 तारीख 1 जुलाई, आज कितना दिन है, आज जब मैं आपको सामने ये एपिसोड कर रहा हूं आज है 27, आज को छोड़ के 28, 29, 30 तीन दिन बाद शनि के वरदान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं 2-3 दिन पहले आपको जानकारी दे देता हूं। आप काले कपड़े पहन सकते हैं, मैं मना करता हूं, लेकिन ये पांच राशियों को वरदान है शनि का, पहनिए खूब, कोई दिक्कत नहीं है। शनि के मंत्रों का जाप करें पॉजिटिव ऊर्जा के लिए, शनि मंदिर जा सकते हैं, लेकिन इस पूरे साल ये पांच राशि वाले जिनकी मैंने जानकारी दी है उनको शनि का तेल का दान नहीं करना। शनि मंदिर जा सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हे शनिदेव आप पॉजिटिव ऊर्जा मुझे दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा ले सकते हैं, लेकिन शनि को कमजोर नहीं करना। अगर शनि कमजोर कर दिया तो उसके वरदान में कमी आ जाएगी, क्योंकि शनि पावरफुल स्थिति में है। इसलिए मैंने कहा कि शनि ये पांच वरदान आपको देने वाला है, पावरफुल स्थिति में रहेगा, बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा, वर्ग उत्तम भी रहेगा, आपके किस्मत को पलट देगा, आपके जीवन को पलट देगा, याद रखेंगे आप।
अब मैं आपसे हाथ लेता हूं, अगले एपिसोड में बृहस्पति आपको वरदान देने वाला है, शुक्र भी देगा, बहुत भी ग्रह जानकारी देंगे। आप सीखते रहिए ज्योतिषी के कार्यक्रम और देखते भी रहिए। अब आपसे हाथ लेता हूं, नमस्कार, अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर आऊंगा। और आप मुझे संपर्क करने के लिए आप मेरा ये नंबर नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59, फ़ोन नंबर 0112563-8157-2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156-9212-860-90, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।